हमारा राजस्थान न्यूज सच दिखाता है। नमस्कार, मैं मदन लाल, आप देख रहे हैं हमारा राजस्थान न्यूज। तारानगर चूरू के गोडास गांव ग्रामीणों ने पेयजल समस्या को लेकर अधिशासी अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। तारानगर कस्बे के गोडास गांव के लोगों ने सोमवार को गांव में पीने के पानी की समस्या को लेकर तारानगर अधिशासी अधिकारी को ज्ञापन दिया और ज्ञापन में लिखा कि गांव में पेयजल की पूर्ति नहीं हो पा रही है। आमजन पीने के पानी को तरस रहा है। जलदाय विभाग को अवगत करवाने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। लगभग 3 माह से ग्रामीण पीने के पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। ग्रामीण ने प्रशासन को ज्ञापन के माध्यम से चेतावनी देते हुए कहा कि अगर समय रहते हुए पानी की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो गांव के लोगों को मजबूरन आंदोलन के लिए सड़कों पर उतरना पड़ेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की होगी, तथा गांव के लोगों ने जमकर प्रशासन व सरकार के विरुद्ध नारेबाजी की। ज्ञापन देने वालों में मास्टर प्रताप, छात्रावास के संचालक मास्टर प्रताप मेघवाल, सतवीर अशोक, विशाल सिंह, प्रभुराम, चेतराम, राजूराम सहित अन्य ग्रामीण मौजूद रहे।